नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आंगनबाड़ी में यूज़ होने वाले कुछ शॉर्ट फॉर्म का हिंदी और इंग्लिश मीनिंग बताया था, जिसको आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो पर भी आप सभी लोग अच्छे अच्छे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को फिर से आंगनबाड़ी में और भी जो शॉर्ट वर्ड होते हैं उसके बारे में बताऊंगा कि उसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी प्रकार से आप सभी को नए नए अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो जो लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और यहाँ पे आई बटन में शो होगा, वो वहाँ से जाके आप सब उस वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने उसमें क्या क्या शॉर्ट फॉर्म के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ई सी सी ई का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी नई शिक्षा नीति के तहत सभी लोगों का फॉर्म भरा जा रहा है, ई सी सी ई डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स होता है उसके लिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि ई सी सी ई का फुल फॉर्म होता है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि इसका हिंदी फॉर्म हो गया प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। तो चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में है बी बी ओ एस ई, यानी कि बी बी ओ एस ई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बी बी ओ एस ई का फुल फॉर्म होता है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन, इसका हिंदी फॉर्म हो गया बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड। फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि डी पी ओ, डी पी ओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, इसका हिंदी फॉर्म हो गया जिला कार्यक्रम अधिकारी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में सी डी पी ओ का फुल फॉर्म बताया था, और आज के इस वीडियो में मैं डब्ल्यू सी डी पी ओ का फुल फॉर्म बताऊंगा। तो डब्ल्यू सी डी पी ओ का फुल फॉर्म होता है वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, यानी कि इसका हिंदी फॉर्म हो गया महिला एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि ई डी एन एफ, यानी कि ई डी एन एफ का फुल फॉर्म क्या होगा। एनर्जी डेंस न्यूट्रिशनल फूड, इसका हिंदी फॉर्म हो गया ऊर्जा से भरपूर पौष्टिक भोजन। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं एच सी एम, एच सी एम का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि एच सी एम का फुल फॉर्म हो गया हॉट कुक मील, यानी कि इसका हिंदी फॉर्म हो जाएगा गरम पकाया भोजन। चलिए फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डब्ल्यू सी डी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डब्ल्यू सी डी का फुल फॉर्म होता है वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, इसका हिंदी हो गया महिला एवं बाल विभाग। फिर एक नेक्स्ट आता है ए एस एच ए, आशा, यानी कि आशा का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसका हिंदी फॉर्म होता है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। और फिर अब नेक्स्ट में आता है टी एच आर, टी एच आर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टी एच आर का फुल फॉर्म होता है टेक होम राशन, इसको हिंदी में बोल सकते हैं घर ले जाने के लिए अनाज। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तो आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।